अस्सलाम वालेकुम जी। हार्ड कोर और सॉफ्ट कोर न्यूज जो है वो तो आपको दूसरे ब्लॉग से पता ही चलती रहती है। मैंने कहा जरा सोशल मीडिया के ऊपर नजर डाली जाए, और सोशल मीडिया के ऊपर अगर मैं आपको अर्ज करूं तो इस वक्त जो है जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ द डे बना हुआ है। और ऑर्डर ऑफ द डे कुछ यूं है कि उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को समझाया है और बुझाया है, और उन्हें कहा है कि कोई भी जनरल बाजवा के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। ये उनकी बात किस हद तक सच है और किस हद तक उन्हें फेस वैल्यू पे हमें लेना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये क्यों हुआ है। अब पहले कौन सी बात करें डिस्कस, पहले क्यों हुआ है या जनरल, चले पहले यही कर लेते हैं। इमरान खान साहब की इस बात को फेस वैल्यू पे इसलिए भी नहीं लिया जाना चाहिए कि इमरान खान साहब जो कहते हैं उनका वो मतलब नहीं होता। उनका मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उसके बिल्कुल बरक्स होता है। जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि जनाब जनरल फैज के खिलाफ कोई बात, जनरल फैज के खिलाफ तो फैज के तो सारे सिलके वाली जाते हैं, लेकिन जनरल बाजवा के खिलाफ कोई बात नहीं होगी, तो उसके फौरन बाद हमने ये देखा कि जनरल बाजवा के खिलाफ मकामी यूथिया जो है, डोमेस्टिक यूथिया, ठीक है, यूथिया मजहूल अल कौम अल जाहिलिया लिल अक्ल लिल महदूद लिमिटेड एडिशन जो है वो तो बाद आ गए, और उनकी और ज़ाहिर है यूथिया तो उसमें कम है, लेकिन ज़्यादातर तो किराए के टट्टू हैं। तो किराए के टट्टुओं को तो एक हुक्म जाना होता है, उन्हें तो सुबह व्हाट्सएप जाता है, दोपहर व्हाट्सएप जाता है, शाम व्हाट्सएप जाता है, रात व्हाट्सएप जाता है, तो उसके मुताबिक शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। और जब उनको व्हाट्सएप जाने बंद हो गए तो वो हो गए, मतलब वो डीएक्टिवेट हो गए वो वाले यूथिये। लेकिन ओवरसीज यूथिये जो हैं वो एक्टिवेट हो गए, और एक्टिवेट एक और डायरेक्शन के अंदर हो गए। और वो डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन है जनरल हाफिज आसम मुनीर साहब की। और मैं इसकी दो मिसालें आपको अर्ज करूंगा। एक तो वजाहत अस खान साहब, पहले भी अर्ज कर चुका हूं, अमेरिका के अंदर स्कॉलरशिप पे पढ़ने गए हुए हैं, स्कॉलरशिप कैसे मिला वो आपको पता है। लेकिन पहले उन्होंने ये कहा कि जनाब आसम मुनीर के जीएचक्यू और बाजवा साहब के जीएचक्यू में कोई फर्क नहीं है। भाई होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने अपने आखिरी दिनों के अंदर ये फैसला लिया था, या उनसे उनके रुफकाएकार ने ये फैसला दिलवाया था, करवाया था कि हमें सियासत में कुछ नहीं लेना देना, तो वो सियासत में कुछ ले दे नहीं रहे। तो फिर आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो उन्होंने रवायत अपने आखिरी दिनों में शुरू की थी वो जनरल हाफिज आसम मुनीर साहब ने बरकरार रखी है, तो ये तो एक खुशायद बात है। लेकिन इसकी तकलीफ थी जनाबे अपना वजाहत साहब को, वजाहत अस खान साहब को इसकी तकलीफ थी, होनी चाहिए, उनका एक नुकता नजर है भाई, उनकी इसकी उनको तकलीफ भी होनी चाहिए। अच्छा आगे चलते हैं। उसके साथ साथ ना, अगर आप मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए, एक आईडी है जो यूके से ऑपरेट होती है, डॉक्टर फातिमा पीटीआई, ठीक है, काफी ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, और वो बड़ी वद के पंजाबी से कहते हैं बढ़िया वद के गल्ला कर दी है कुड़ी, अगर वो कुड़ी है तो, इफ एट ऑल चीज एक गर्ल, क्योंकि इस तरह की आईडीज के पीछे नॉर्मली लड़के ही निकलते हैं। अगर आप डॉन के अंदर छपी हुई खबर पे जाके चेक करें तो एक बड़ा ही चिबड़ की शक्ल वाला मुंडा है जो वीना मलिक का चलाता है अकाउंट, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जनाब आसफ गफूर साहब के ऊपर वीना मलिक का अकाउंट चलाने का इल्जाम लगाते हैं, बहुत सारे पटवारी, विच इज रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि वो एस्टेब्लिश चीज है, छपी हुई चीज है जिसका डिनाइल जारी नहीं हुआ, और वो अपना डॉन की वेबसाइट पे वो बड़ी डिटेल्ड स्टोरी पड़ी हुई है, जिसके बाद फिर वो विरक्त की छुट्टी हो गई थी, अगर आपको याद में दिलाऊं तो, ठीक है, क्योंकि वो उसको आओ जी हम आपको बताएं हम कितना बड़ा सेटअप चलाते हैं, वो अंदर ले आके गया सी ना, तो विरक्त वगैरह की छुट्टी हुई थी, ये इस्लान खालिद वगैरह के बाद में फिर फलूक लगा, अदरवाइज तो ये पीछे थे। ऊपर वाली टीम की छुट्टी उस वाक्य के बाद हुई थी, वो खबर छपने के बाद वो जरा पढ़ लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि होता तो नॉर्मली इस तरह का ही है, कोई इस तरह का भी हो सकता है, तो उन्होंने इन्होंने भी हिट किया, वजाहत अस खान साहब ने भी और फातिमा ने भी हिट किया एक ही जात के ऊपर, और वो जात है जनरल आसम मुनीर साहब। अब ये बात जो है ना मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग लगती है
उसकी वजह यह है, मैं ये बात मान नहीं सकता कि ये जो पूडल्स हैं या जो इमरान खान के जो यूथियाज हैं, ये इमरान खान की मर्जी, मंशा या हुक्म के बगैर एक्टिवेट हुए होंगे। जो शख्स इतना ध्यान रखता हो कि जिस बंदे या बंदी को वो टीवी के किसी प्रोग्राम में तबसरा निगार के तौर पे भिजवा रहा है और उसे ये बता रहा है कि पहले सेगमेंट में एंकर आपसे ये सवाल पूछेगा और आपने उसके जवाब में ये कहना है, आप ये वाली गालियां भी दे सकते हैं, आपने सारा टब्बर चोर आपने कम से कम 4 दफा कहना है उस सेगमेंट के अंदर किसी ना किसी बहाने से। अच्छा, फिर कैसे कहेंगे वो, फिर करके बताती या बताता, ठीक है, आपने जाके वहां पे 12 मौसम गिनवा के आने, ठीक है, ये जो मेरे मुंह से निकल गई है ना बात के इस मुल्क में 12 मौसम होते हैं, तो अब ये उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आपने इसरार करना है कि 12 मौसम होते हैं, फिर 12 मौसम गिनवा के आने हैं। और अगले जुल्म की बात ये है कि जब वो खातून या मर्द टीवी पे बैठ के 12 मौसम गिनवाती है या गिनवाता है तो उसको फौरी तौर पर कायद की तरफ से थम्स अप भी आता है, ठीक है, मतलब व्हाट्सएप के ऊपर। इसीलिए आप देखें पीटीआई के बेशतर खवातीनों हजरात जो हैं वो प्रोग्राम अपनी बारी लेने के बाद फौरी तौर पे खोल के बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भाई हो सकता है इमरान खान ने किसी की ड्यूटी लगाई हो, क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि उनके कायद उनको देख रहे हैं और कायद की तरफ से स्माइली और थम्स अप भी उनको भिजवाए जाते हैं जब वो ये बक बक कर रहे होते हैं वहां पर बैठ के। तो जो शख्स इतना क्लोजली मॉनिटर करता हो और क्लोजली डिक्टेट करता हो अपने फॉलोअर्स को कि उन्होंने बोलना क्या है मीडिया आउटलेट पे जाके, उस शख्स से ये तवक्को करना कि ये फातिमा पीटीआई जो है ये अकाउंट ने अपने तौर पे ही हाफिज़ आसम मुनीर साहब के बारे में बक बक कर दी होगी या जनाब वजाहत अस खान साहब के अंदर कोई हरियत फिक्र का कोई नई रूह हलूल कर गई है और उन्होंने अपने तौर पर यह बात कर दी होगी, मुझे तो ये हजम नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए इस बात के ऊपर कि जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी ने ये जो जनरल बाजवा का नाम ना लेने के बारे में जो अहकामात सादर फरमाए हैं, इन अहकामात के पीछे क्या हिकमत कार फरमा है। देखिए, जब तकर्री हो रही थी और जनाब हमारे सारे जर्नैल साहिबान सियासत में गोडे गोडे खुबे हुए थे कि किसी तौर पर कोई कहता था मेरी एक्सटेंशन हो जाए, मेरी एक्सटेंशन नहीं होती, फिर मेरी मर्जी का चीफ आ जाए और उसके लिए वो सियासी हकूमत को जो थे वो मैनूवर कर रहे थे, लंदन तक मुलाकातें करने भिजवा रहे थे अपने ससुरों को, ठीक, ससुर एक ही होता है, अपने ससुर को। तो ऐसी सूरत के अंदर जो था मतलब के एक फरिश्ता जो था सफेद रंग के घोड़े पे बैठ के आसमान से नाजल हुआ और उसने इमरान अहमद खान नियाज़ी को कहा कि देखें आपको, आपके जिम्मे ये लगा है हमारी इतला के मुताबिक कि आपने जनरल हाफिज आसम मुनीर साहब की तकर्री को कंट्रोवर्शियल बनाना, जिस लम्हे उनकी नामजदगी होगी आपके जिम्मे ये लगा है कि आपने उनके बारे में बक बक कर देनी है, बाकी काम फिर उन्होंने कहा है कि जी हम संभाल लेंगे, ठीक है, हम पत्ता काट लेंगे उनका अंदर से बैठे हुए, तो आपने ये काम नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आने वाले के साथ तल्लुकात बनाए जाते हैं और आपने जितना गुस्सा निकालना होगा वो जाने वाले पे निकाल लीजिएगा। तो इमरान खान साहब जो थे वो उस साजिश का हिस्सा नहीं बने, मेरे व्लॉग इस बात की गवाही हैं और मैंने उस पर उनको अप्रिशिएट कर रखा है कि मैं इमरान खान साहब को इस बात पे अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने किसी के हाथों इस्तेमाल होने से इनकार किया है, ठीक है, ये हम रिकॉर्ड पे हैं, अगर आप उन दिनों के व्लॉग सुने तो आपको पता चल जाएगा। तो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो थे वो वन वे और द अदर एक वजह से या किसी दूसरी वजह से इसके लिए इस्तेमाल नहीं हुए, इस्तेमाल नहीं हुए तो आसम मुनीर साहब जो थे, हाफिज जनरल आसम मुनीर साहब जो थे वो नए सिपा सलार यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए, ऑल द पावरफुल मैन इन पाकिस्तान। जब वो बन गए तो फिर जनाब अब ये गुस्सा किस पे निकालें, ठीक है, वो उन्होंने बदस्तूर कहा कि जी हम तो न्यूट्रल रहेंगे, बड़ी मिन्नतें की, वाजा मारियां टूटी लत नू वखाया कई बार मैं, वो वाजा मारियां बुलाया कई बार मैं, किसी ने मेरी गल ना सुनी वाजा मारियां, ठीक है, ये आलम आरफ के वाले साहब थे, आलम लोहार साहब, ये उनका गाया हुआ है,
तो हमने बचपन में सुना हुआ याद है। तो जनाब टूटी हुई लत नवाया कई बार में, किसी ने मेरी गल ना सुनी, उन्होंने बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी हमारे बुजुर्ग जो कर गए हैं न्यूट्रल रहने का फैसला, हम उस पर कायम दायम रहेंगे। जब उन्होंने बात नहीं सुनी तो फिर अब गुस्सा किस पे निकालें, तो गुस्सा निकालना शुरू किया जनरल बाजवा के ऊपर। और कहीं कहीं जनरल फैज साहब भी जद में आए कहीं कहीं, ठीक है, क्योंकि युवतियों के जब खोले जाते हैं दड़बे या जब उनके संगलियां खोल दी जाती हैं तो फिर तो वो बहु बहु करते किसी को भी पढ़ सकते हैं, तो वो उनको पढ़ गए। तो कहीं कहीं फैज साहब को भी चक वड्या गया। तो फिर वही साहब जो थे जिन्होंने कहा था कि ये हरकत ना करी, वही साहब आए, उन्होंने कहा कि देखें आपने वो हरकत नहीं की, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको जेल नहीं जाने देंगे, अदालतें आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगी, तो देखें ना आप जेल गए ना किसी अदालत ने आपके खिलाफ फैसला लिया। ठीक है, पता नहीं मैं किड्डी वड्डी गल कर रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं पता। तो जब उन्होंने कहा कि जनाब ना आप जेल गए हैं, ना आपको जाने दिया जाएगा, ना आपके खिलाफ कोई फैसला होगा, तो आपने ये देखें ये आपकी तरफ से वायलेशन हो रही है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ आप जुबान दराजी कर रहे हैं, अदारे को ये बात नापसंद है। तो फिर जो है वो इतवार के रोज कहा गया कि जनाब इमरान अहमद खान नियाजी ने अपने फॉलोअर को हुक्म दिया है कि वो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई एक्शन ना लें। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये कंटिन्यू नहीं करें, ये अगर आप जनरल बाजवा के खिलाफ बक बक करते रहेंगे तो फिर वो जो जेल ना जाने देने वाली गारंटी है वो हम फिर विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और अदालतों किससे आपको जो फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है, आप इशारा अबरू करते हैं, जज साहिबान वो फैसला लिख के आपके कदमों में डाल देते हैं, और आपके जो मुखालफिन हैं उनकी 6-6 माह से अपीलें नहीं लग रही, जब से वो हुकूमत में आए हैं तब से उनको कुत्ती बना के रखा हुआ है अदालतों ने, अदालतों के जज बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की माँ बहन एक कर देते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये क्यों हो रहा है? ठीक है, इसलिए आप ये काम ना करें। इमरान खान साहब ने फौरन पांडा टीडर समेटा इस फ्रंट से और उन्होंने कहा कि खबरदार कोई भी जनरल बाजवा के खिलाफ बात ना करे, लेकिन जिन्होंने ये गारंटी दी है उनसे मैं दस्तबस्ताज कर रहा हूं। पाया ना जरा डॉक्टर फातिमा पीटीआई और ये और वो, ये है ये सर वायलेशन है, ठीक है ना, ये आपको चुगत समझता है सर, ये समझता है कि मैं ओवरसीज से इनकी चित्रौल करवाता रहूंगा और मुकामी यूथिया इस पर कुछ नहीं बोलेगा और यूं मैं आपके सामने सुरखरू हो जाएंगे, सर ये आपको चुगत समझता है सर, आप ना इसके भरे में आए हैं, मैं तो बस अर्ज कर सकता हूं। तो मैंने कहा मैं अर्ज कर दूं सर जी की है, आप अगली दफा जब उसको जाएं तो उसको पूरी तरह डांट के आए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है। तो ये है जी अब तक की सूरत हाल। बज़ाहिर इमरान खान साहब जो है उन्होंने अपने ओवरसीज यूथियों के, जो कि ओवरसीज यूथिया तो आपको पता है ना जहालत में 20,000 नूरी साल आगे होता है मकामी यूथिया थे, तो उन्होंने उनके जो पटे खोले हैं उसके नतीजे में ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। इमरान अहमद खान साहब न्याजी साहब जो है इस अंडरस्टैंडिंग के नतीजे के अंदर जेल नहीं जाएंगे। इन अंडरस्टैंडिंग की कमिटमेंट की एग्जीक्यूशन के अंदर वाहिद जो चीज होगी जिसके बाद ये पता चलेगा कि ये सीमेंट पक्की अनब्रेकेबल है, वो तब होगा जब वो साहब जो ये पैगाम रसानी कर रहे हैं वो इस्लामाबाद में एक आला ओहदे के ऊपर मुतमक्कन होंगे, अभी तक नहीं हुए। ठीक है, जो वाहिद सिल्वर लाइनिंग है कि वो अभी तक इस ओहदे पर मुतमक्कन नहीं हुए, हो सकता है कि उनको चां करवा दिया जाए, उनको इनकार कर दिया जाए और उस ओहदे पे ना लगाया जाए, अगर वो ओहदे पे नहीं लगे तो फिर इमरान खान साहब जेल जाएंगे। ठीक है, और अगर वो उस ओहदे पे लग गए जिस ओहदे के वो उम्मीदवार हैं और उन्होंने ये सारा जो सिलसिला है जुनबानी बिटवीन इमरान खान और शुरू किया था उनके दरमियान, वो उन्होंने इसी उम्मीद पर शुरू किया था कि आखिर में मुझे इस ओहदे पे लगाया जाएगा। इंतजार कीजिए, इस्लामाबाद के अंदर किसी महकमे का सेक्रेटरी है कोई, उन्होंने लगना है। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाजिरी होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।